नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम में और सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर कुछ क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित भी होते हैं तो यदि आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो इस एक वीडियो से आप क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकते हैं क्वेश्चन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्लाउड क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और यह क्यों यूज किया जाता है यहां पर क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट से नेटवर्क से क्लाउड का मीनिंग यहां पर है इंटरनेट या नेटवर्क से क्लाउड एक बाइड एरिया नेटवर्क है मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है क्लाउड इंटरनेट है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है इंटरनेट के माध्यम से आप जो सर्विस यूज करते हो इंटरनेट पर डेटा को अपलोड करते हो डाउनलोड करते हो सर्च करते हो किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को रन करते हो तो वह सभी क्लाउड की सर्विस होती है क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से यूजर को कई प्रकार की सर्विस उपलब्ध कराता है जो कंपनियां क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एमेजोन कंपनी गूगल माइक्रोसॉफ्ट यह सभी कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो जो भी कंपनी क्लाउड की सर्विस देती है उसे कहा जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और जो यूजर होता है वह क्लाउड की सर्विस का यूज करता है क्लाउड पे पर यूज के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है पे पर यूज का मतलब है आप क्लाउड की जैसी सर्विस जितनी यूज करोगे उतना आपको पे करना होगा चार्ज देना होगा क्लाउड में अलग अलग प्रकार की सर्विस होती हैं। आप जैसी सर्विस जितनी क्वांटिटी में जितने टाइम तक यूज करोगे उतना आपको चार्ज पे करना होता है क्लाउड यूजर को ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड मतलब यूजर को जब जिस सर्विस की जरूरत होगी यूजर उसकी डिमांड करता है और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उस डिमांड को पूरा करते हैं इस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से यूजर क्लाउड की सभी सर्विसेज का यूज कर सकता है तो क्लाउड का मीनिंग होता है इंटरनेट से या नेटवर्क से आप इंटरनेट की जो भी सर्विस यूज करते हो वह सभी क्लाउड की सर्विस होती है तो अभी हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन समझा उसके कुछ बेसिक फीचर्स को जाना अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एडब्ल्यू एस का फॉर्म क्या होता है एडब्ल्यू एस का फॉर्म क्या होता है एडब्ल्यू एस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है एडब्ल्यू एस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड की मल्टीपल टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है और AWS प्लेटफॉर्म को एमेजॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है एमेजोन कंपनी के द्वारा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है AWS। एस और AWS एस का फुल फॉर्म होता है एमेजॉन वेब Services। एमेजॉन वेब Services AWS का एस का होता है यह एमेजॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है तो यहां पर आपको तीन क्वेश्चन तैयार करने हैं एडब्ल्यू एस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे एमेजॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और एडब्ल्यू एस का फॉर्म होता है एमेजॉन वेब सर्विस मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडब्ल्यू एस का फॉर्म होता है एमेजॉन वेब सर्विसेस देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है कई कंपनियां क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उसी में से एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा क्लाउड बनाया है हमें यहां पर बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वह माइक्रोसॉफ्ट अजूर इसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर या माइक्रोसॉफ्ट अजूरे प्रोनाउंसिएट किया जाता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट अजूर नाम का क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट अजूर नाम का क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फॉर्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फॉर्म क्या होता है पीडबल ए एस क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर आपको तीन क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके तीन सर्विस मॉडल होते हैं तीन सर्विस मॉडल पास क्लाउड का एक सर्विस मॉडल है और क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं एक होता है आस आई डबल ए एस एक होता है पास पी डबल ए एस और एक होता है सास एस डबल ए एस क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं या हम कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आस पास सास यहां पर आपको तीनों का फुल फॉर्म याद करना है आस का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो क्लाउड की सर्विस है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आस पास सास स का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो यहां पर हमने एक साथ तीन क्वेश्चन तैयार करे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग में एचपीसी का फुल फॉर्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में एच का फुल फॉर्म क्या होता है एच का फुल फॉर्म क्या है क्लाउड एक ग्लोबल नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क है है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इंटरनेट है तो क्लाउड पर एक साथ मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट आती है क्लाउड एक साथ मल्टीपल यूजर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करता है जब क्लाउड पर एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं, तो उन सभी रिक्वेस्ट को फास्ट स्पीड में कंप्लीट करने के लिए HPC का यूज किया जाता है और HPC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC का फुल फॉर्म होता है मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HPC का फुल फॉर्म होता है क्लाउड में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में सास मतलब SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ समझ चुके हैं आस पास सास क्लाउड के तीन सर्विस मॉडल हैं। क्लाउड की सर्विस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आस पास सास आस का फुल फॉर्म था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पास का फुल फॉर्म था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्न में से कौन एक क्लाउड का एग्जाम्पल है निम्न में से कौन एक क्लाउड का एग्जाम्पल है कई कंपनी अलग अलग नाम से क्लाउड प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती हैं। मल्टीपल कंपनी के द्वारा क्लाउड की सर्विस दी जाती है और हर कंपनी के प्लेटफॉर्म का नाम अलग अलग हो सकता है तो हमें यहां पर बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन क्लाउड का एग्जाम्पल है एडब्ल्यू एस यह तो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है एमेजॉन कंपनी का अजूर यह भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और ड्रॉप बॉक्स भी एक क्लाउड है मतलब यह तीनों ही क्लाउड के एग्जाम्पल हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एब मतलब जो भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं तीनों यह तीनों क्लाउड के एग्जाम्पल हैं यह तीनों क्लाउड के प्लेटफॉर्म हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एब वह सभी ऑप्शन क्लाउड के एग्जाम्पल थे देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग में एस एल ए का क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में एस एल ए का क्या होता है एस एल ए तो एक होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाउड की सर्विस देता है और एक होता है यूजर जो क्लाउड की सर्विस लेता है तो क्लाउड यूजर जब भी कोई सर्विस लेता है सर्विस प्रोवाइडर से तो सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड यूजर के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है उस एग्रीमेंट को कहा जाता है एस एल ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट जब एक यूजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड की कोई सर्विस लेता है तो दोनों पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है उस एग्रीमेंट को कहा जाता है एस एल ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट में सभी प्रकार की सर्विस उनकी क्वांटिटी और उनकी प्राइस या रेट को मेंशन किया जाता है तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड यूजर के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसे कहा जाता है एस और एस का फुल फॉर्म होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्न में से कौन एक क्लाउड का टाइप नहीं है निम्न में से कौन एक क्लाउड का टाइप नहीं है क्लाउड के मल्टीपल टाइप हैं। और हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा क्लाउड का टाइप नहीं है प्राइवेट क्लाउड होता है पब्लिक क्लाउड होता है हाइब्रिड क्लाउड होता है और एक होता है कम्युनिटी क्लाउड लेकिन टर्मिनल क्लाउड नहीं होता है क्लाउड के चार टाइप हैं प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड लेकिन टर्मिनल क्लाउड क्लाउड का कोई टाइप नहीं है मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट क्लाउड होता है पब्लिक क्लाउड होता है हाइब्रिड क्लाउड होता है और कम्युनिटी क्लाउड होता है लेकिन टर्मिनल क्लाउड नहीं होता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्न में से कौन सा एमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है निम्न में से कौन सा एमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है एमेजॉन कंपनी के द्वारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका नाम है एडब्लू एस एमेजोन वेब सर्विस तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए डब्ल्यू एस एमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग में जी एफ एस का फुल फॉर्म क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में जी एफ एस का फुल फॉर्म क्या होता है जी एफ एस का फुल फॉर्म हमें बताना है जी एफ एस का फुल फॉर्म होता है गूगल फाइल सिस्टम क्लाउड में क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी फाइल्स मल्टीपल फाइल्स एक साथ यूज की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं। तो फाइल को स्टोरेज में प्रॉपरली मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है और क्लाउड में एक फाइल सिस्टम यूज होता है जो कि है जी एफ एस जिसका फुल फॉर्म होता है गूगल फाइल सिस्टम जी एफ एस का यूज होता है गूगल फाइल सिस्टम जो कि क्लाउड में फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है जीएफ एस का फुल फॉर्म क्या होगा गूगल फाइल सिस्टम मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग में एच डी एफ एस का क्या होता है एच डी एफ एस का अभी हमने पढ़ा जी का फुल फॉर्म जो कि होता है गूगल फाइल सिस्टम अब हमसे पूछा गया है एच का फुल फॉर्म क्या होता है तो यह भी एक फाइल सिस्टम है एफ मतलब फाइल सिस्टम है और यह यूज होता है हडूप में हडूप में तो इसका फुल फॉर्म होगा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रकार के फाइल सिस्टम यूज किए जाते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होने वाले डेटा को फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं एक हमने पढ़ा जीएफ एस गूगल फाइल सिस्टम और दूसरा भी हमने पढ़ा एच डी एफ एस मतलब हडूब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच डी एफ एस का फुल फॉर्म होता है हडूब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग में आज का फुलफॉर्म क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS मतलब as का फुल फॉर्म क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आज की वीडियो में समझा है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विस हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है IaaS PaaS SaaS as का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी सिंगल फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल लॉजिकल रिसोर्स में डिवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सिंगल फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल लॉजिकल रिसोर्सिस में डिवाइड कर देती है जब क्लाउड बनाया जाता है या क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो वहां पर कई प्रकार के रिसोर्स होते हैं जैसे कि नेटवर्क स्टोरेज मेमोरी कई प्रकार के रिसोर्स होते हैं तो यदि हमें किसी सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल लॉजिकल रिसोर्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए वर्चुअलाइजेशन का यूज किया जाता है वर्चुअलाइजेशन मतलब आभासी वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल लॉजिकल रिसोर्स में डिवाइड कर देती है फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट पर जो डेटा अपलोड करते हो डाउनलोड करते हो वह किसी एक सर्वर में स्टोर होता है एक सर्वर है जिस पर इंटरनेट का डेटा स्टोर किया जाता है यहां पे आप डेटा को अपलोड करते हो डाउनलोड करते हो तो इस सर्वर पर आप भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हो हम भी कर सकते हैं ऐसे मल्टीपल यूजर एक साथ इस सर्वर पर डेटा को अपलोड करते हैं डाउनलोड करते हैं सर्वर तो एक है सिंगल है लेकिन मल्टीपल यूजर उसको अलग अलग जगह से लेकिन एक ही समय पर एक्सेस कर पा रहे हैं तो यह कहलाता है वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन का मतलब है जो कि सिंगल फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल यूजर्स के साथ यूज करने की सुविधा प्रदान करता है सिंगल फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल लॉजिकल रिसोर्स में डिवाइड करने के लिए वर्चुअलाइजेशन का यूज किया जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा कितने प्रकार की सर्विसेस प्रोवाइड की जाती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा कितने प्रकार की सर्विसेस प्रोवाइड की जाती हैं? यहां पर यह क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा जो सर्विस दी जाती हैं, वह तीन कैटेगरी में होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस तो मल्टीपल देता है बहुत सारी देता है लेकिन उन सभी सर्विसेज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आस पास सास तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाती हैं उन सभी सर्विसेज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आस पास सास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थ्री क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा तीन प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पास मतलब प्लेटफॉर्म से संबंधित और सास मतलब सॉफ्टवेयर से संबंधित तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तो आज की वीडियो में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित अब कुछ प्रश्न सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग पंद्रह प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें समझें यदि आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक like करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद